इन्हें बुलाइए बुलाइए, इनसे बात करिए, कौन है? अरे बता रहे हैं कि कोई कहा है। क्या कहा है? ज्ञानी का चारा नहीं मिलेगा, इनके साथ भरपूर पेट नहीं भरेगा दूध वाली गाय, ये साथ ये बात है और कोई बात नहीं। अभी आपके कुछ लोग गए थे कैसी प्रधान जी के यहाँ? नहीं हम गए थे, मैं कहता वो प्रधान जी के भैया यहाँ के मत जाना था। नहीं गाय गौशाला की लेने के लिए गए थे। नहीं, तो हमारी नहीं तो बात हो रही थी उतनी समय। हाँ तो मैं नहीं, हम तो गए थे, प्रधान जी मना कर रहे थे कि हम अपनी गौशाला की गाय नहीं देंगे। आप हमको कोई लड़के ने बोल दिया होगा साहब, खर्चा पानी जो दिया तो बच्चे खर्चा पानी कोई देते ले जाते। खर्चा पानी भाई सरकार दे रही है, बात कोई मतलब नहीं, हमको तो मतलब नहीं। आप इनकी सरपंच साहब ने उसने बोला था हमको कि भैया यहाँ के मैं निकलो तुम तो बात की बात नहीं। मोबाइल से घूम गया, आपने कहा कि गौशाला की हमें गाय दे दो, खर्चा पानी राशन पानी दे दो, किस बेस पे आप ले रहे हैं? पानी क्या तिराने पिलाने के लिए राशन पानी लेते आगे और आगे भगा देंगे, उनको चाटा पानी मिल जाता है और क्या, खर्चा पानी मिल जाए तो कोई ज्ञापन गाय निकल जाए वो रख लेते हैं, ज्ञापन गाय के साथ ज्ञापन गाय रख भी लेते हैं, ये बात है। दादा आपका? हरी सिंह। कहाँ के निवासी हैं? बूंदी जिला, राजस्थान। राजस्थान अभी ये कहाँ पे आए हुए हैं आप? अब यहाँ चराते फिर रहे हैं, चराते फिर रहे हैं। और कहाँ जाऊँ? अच्छा कितना जानवर है आपके पास? कम से कम जानवर तो होगा साहब 500। और आप कितने लोग हैं? आदमी तो 100-150, बहू बेटी है, बच्चा बच्ची है, लेडी। कहाँ कहाँ ले जाते हैं आप इन चराने के लिए? चराते चराते जमुना जी से बेड़ में रुकेंगे, खेती बोगे, फिर वापसी हो जाएंगे। खाने पीने की व्यवस्था रहती है? आटा पानी लेते हैं साहब। अच्छा आप कहाँ से हैं? मैं उसी गाँव जिले। एक ही जिले के हैं सभी लोग? अच्छा यही आपका व्यवसाय है? यही है। और इनकम कैसे होती है आपको, रुपए कैसे मिलते हैं, खर्च कैसे चलता है? दूध दूध बेचते हैं, इनको चराते हैं, किसी ज्ञापन का किसान आदमी को बेच देते हैं, ये धंधा है और कुछ भी नहीं हमारा साहब। अच्छा हाँ, कितने दिन पहले आप राजस्थान से चले थे? अभी साहब हमको दिन तो गिने कौन ने, हम जेठ के निकले थे, जेठ उषाढ़ में निकल जाते हैं, आराम आराम से चराते फिराते निकल। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं आप घूम के? अब साहब गाँव का नाम भी जान गाँव का नाम कौन? जिले 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 किस किस जिले से होते आ रहे हैं? जिला बताओ, एक जिला बाणू बंद होता आदि में लेकर ये अपने आगे का वहां जगह समझ लीजिए। बांदा? बांदा तो ये जो इधर साइड में ऐसे बांदा गए थे? नहीं गए, बांदा नहीं गए साहब, बगल से आ रहे हम। अच्छा महोबा? महोबा हां महोबा ओके हां ऐसे होता है। अच्छा और भी कुछ लोग मिले हैं वहां आपसे, कुछ जानकारी की है? वैसे तो करिए आप जैसे लोगों ने मिले पूछी तो बताई भी हां आधार कार्ड देते हमारे। तो आप इसी तरीके से मतलब 24 घंटे और 12 महीने इसी तरीके से इसी काम पे देते हैं? नहीं वापसी हो जाते हैं, वापसी होते हैं ना। अच्छा फिर वहाँ क्या काम रहता है? फिर हम रुक जाते हैं। कहाँ? अपने केला देवी पे। अच्छा केला देवी पे 100 पे वहाँ रुकते हैं। अच्छा ये हो जाए तो किसी प्रकार की परमिशन वगैरह आप अपने पास? परमिशन है किस चीज का? गाय चुगाने का। अच्छा तो जैसे आप खेतों में लेके जा रहे हैं, जैसे किसी का नुकसान होता है उसके लिए बाबा जी उसी की वजह से तो निकलते हैं, ऐसे खेती बोल है उसकी वजह से निकलते हैं। नुकसान होते जूता, हमारे गांव वाले जूता नहीं खाओगे हम, ये काम है हमारा।
हमको ये खेत खाली मिल गए थे, चरा लिया हमने, वो कोई खेत बया हुआ दिखेगा उसमें नहीं चराएंगे, उसमें बाड़ेंगे, पेड़ेंगे। अच्छा, गांव वालों का कुछ लोगों का आरोप है कि आप जो है ऐसे ऐसी गाय लिए हुए हैं कि जो अब ऐसा साहब गांव वालों आप बोल दे आप खुद आगे आप किसी का मुंह किसे पकड़ने जाता है। अगर बीमार आदमी हो तो उसका किसने लग जाता है, अगर बहम हो उसके कितने डॉक्टर लगाओ। क्या नाम है दादा आपका? उल्लू। किस गाँव के निवासी है? अच्छा, यहाँ पे जो गाय आई हुई हैं क्या जानकारी है आपको? यहाँ माना प्रधान जी के बोर के खास बोर महा बोर के खेत में चल रही गाय। अच्छा, कितनी गाय हैं लगभग? कम से कम 500 गाय है। और उनके गाय के साथ में कितने लोग हैं? लोग 50-60 आदमी अंदाज दिखा थे। अच्छा, आपकी बातचीत हुई इनसे, क्या बोल रहे हैं? कहा हम राजस्थान के हैं, सराव जात हैं अपने गाँव में। ये देखो साहब आदमी बैठे, अलग अलग गोल है, सबके अलग अलग गोल है। कितने गोल है? चार पांच गोल है। चार पांच गोल है, कुछ में कर रहे भी होंगी ऊँट कर रहे हैं। हाँ हाँ साहब, और पीछे साहब धीरे धीरे बच्चों चलते नहीं है। हम आप साहब गौशाला क्यों लाएंगे बाबा जी? हमारे पास ही बहुत है, हम क्या करेंगे भाई? हमें तो जानकारी यही मिली थी प्रधान के, आप लोग गए हैं, प्रधान से बात हुई है तो कह रहे थे। और वैसे साहब लोग तो गांव के कहते हैं कि ले जाओ, और बहुत कहते तो हमारे लोग गांव के खर्चा मान ले जाओ, हम ले जाने नहीं, हम मना करते हैं, क्या करें? हमारे पास ही बहुत गोरू है, नहीं बहुत कहते हैं। हाँ अभी भाई साहब तुम नीचे ना, बुजुर्ग बैठा है वो और वहाँ बुढ़ा बैठे अपना, वो बैठे झाड़ के नीचे, बुढ़ा है बुढ़ा बैठे भाई, चूल्हा पहले वो बैठे अपने वहाँ, सब बैठे बुढ़े आदमी राजस्थानी वैसे आते रहे पहले।